कप्तान बाबर आजम को फाइनली कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की याद सताने लगी। ये याद था भाई जब वसीम जूनियर को अगर वो ये कहते थे कि बॉलिंग आप ऑफ पे करें तो वो लेग स्टंप पे करते थे, जब शाहनवाज थानी को ये फुल डिलीवरीज का कहते थे तो वो शॉर्ट बॉलिंग करते हैं, जब मोहम्मद हसनैन को ऑफ स्टंप की ये लाइन देते हैं और फील्ड देते हैं तो वो लेग स्टंप पे बॉल करके पीछे के चौके और छक्के बनवा रहे होते हैं और दूसरी टीम का बना बनाया जो प्रेशर होता है दूसरी टीम पे वो सारा प्रेशर उतार देते हैं। यानी अगर आज भी आप मोहम्मद आमिर को वापस टीम में नहीं देखना चाहते तो आप मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतना देखना चाहते हैं। देखिए आमिर को क्यों वापस आना चाहिए इस एज के अंदर, आप समझते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं या बहुत ज़्यादा इनकी एज हो चुकी है। रिसेंटली 200-300 प्लेयर्स होते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर पूरी दुनिया से, उनमें ये फोर्थ नंबर पे सबसे बेहतरीन बॉलर बने हैं जिन्होंने 12 मैचेस के अंदर 16 विकेटें ली हैं और नंबर वन पे इकॉनमी रेट है इनका एज अ फास्ट बॉलर, सब फास्ट बॉलर से बेहतरीन इकॉनमी रेट इनका है क्योंकि इकॉनमी रेट इनका 6.40 का, यानी ये इकॉनमी रेट है। बॉलर्स में इमाद वसीम का, स्पिनर्स में इमाद वसीम का बेहतरीन है और फास्ट बॉलर्स में मोहम्मद आमिर का। सो क्या मोहम्मद आमिर को चाहते हैं कि वापस टीम में आए? आपने वीडियो को लाइक करना है और साथ ही एक चीज़ क्लियर है के थानी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर ये आपको T20 वर्ल्ड कप नहीं जितवाएंगे, मेरे साथ शर्त लगा लीजिए अभी के अभी।